चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर। आज मेरे पास काफ़ी सारा यहाँ पे अडैप्टर्स रखा हुआ है और ये सारा ही अडैप्टर जो है ना हाई वॉट आउटपुट रेटिंग के साथ आता है। जैसे ये वन प्लस का अडैप्टर 65 वॉट के आउटपुट रेटिंग के साथ आता है, ये शाओमी के एक फोन का अडैप्टर है 120 वॉट के आउटपुट रेटिंग के साथ आता है, वीवो का ये दो चार्जर एक 66 वॉट के आउटपुट रेटिंग और एक 80 वॉट के आउटपुट रेटिंग के साथ आता है। और इस वीडियो में जो है ना कॉमेंट सेक्शन में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं कि क्या हम लोग इस तरीके का जो भी एक्सेसरीज रहता है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो गया, कोई पोर्टेबल स्पीकर है या फिर कोई भी ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन है, वो TWS है या नेकबैंड है, इस तरीके के एक्सेसरीज को इस टाइप के हाई वॉट आउटपुट वाले चार्जर से अगर चार्ज करें तो क्या इस टाइप के एक्सेसरीज के बैटरी लाइफ पे या फिर डिवाइस के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्या डिवाइस जल्दी खराब हो सकता है, इस टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिकॉज जब भी आप कोई एक्सेसरीज परचेज करते हैं ना, चाहे स्मार्ट वॉच हो, ईयरफोन हो या किसी भी टाइप का पोर्टेबल स्पीकर हो, तो आपको बॉक्स में जो है ना कोई भी ट्रेवल अडैप्टर, इस तरीके का अडैप्टर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको सारे एक्सेसरीज के साथ जो है ना अलग अलग टाइप का चार्जिंग केबल जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, बट अडैप्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या इस तरीके का हाई वॉट आउटपुट वाला अडैप्टर यूज करना इन एक्सेसरीज के साथ सेफ है या नहीं है? बिकॉज सारे एक्सेसरीज के यूजर मैनुअल पे अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम के यूजर मैनुअल पे ये मेंशन रहता है कि आपको 10 वॉट का अडैप्टर जो है वो यूज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारे एक्सेसरीज हैं, उनके साथ जो चार्जिंग केबल मिलता है वो भी यहां पे हम डेस्क पे रखे हुए हैं और ये कुछ हाई वॉट आउटपुट वाला चार्जर यहां पे रखा हुआ है। सबके साथ जो चार्जिंग केबल मिलता है ना वो भी अलग अलग है, सबका थिकनेस जो है वो अलग अलग है। जैसे ये 65 वॉट का चार्जर है तो इसका जो चार्जिंग केबल है वो हमको थोड़ा सा पतला लगता है, वहीं पे ये 120 वॉट का जो चार्जर है इसके साथ जो चार्जिंग केबल है वो काफी थिक है, काफी मोटा है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि अगर आपका चार्जर हाई आउटपुट दे सकता है तो ये जो केबल है ना वो भी केपेबल होना चाहिए उस हाई आउटपुट को कैरी करने के लिए आपके डिवाइस तक। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये वन प्लस का 65 वॉट का चार्जर है और अगर हम इस चार्जर को जो है ना इस पतले से केबल से कनेक्ट करते हैं अपने इस OnePlus के फोन के साथ, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको 65 वॉट का जो आउटपुट है वो मेरे फोन पे रिसीव नहीं होगा, मेरा फोन जो है वो फास्ट चार्ज नहीं होगा। तो जब आप एक समय पे अपने किसी भी डिवाइस को चार्ज कर रहे होते हैं ना तो तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला तो आपका ये ट्रेवल अडैप्टर हो जाता है, दूसरा आपका ये चार्जिंग केबल हो जाता है और तीसरा आपका डिवाइस हो जाता है, चाहे वो आपका फोन हो या फिर आपका कोई एक्सेसरीज हो, कोई ईयरफोन हो, कोई स्मार्ट वॉच हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे अगर वो तीनों एलिमेंट सिंक रहेगा ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास 65 वॉट का चार्जर है तो मेरे पास वो केबल भी होना चाहिए जो कि उस 65 वॉट के चार्ज को कैरी कर सके, और उसके बाद मेरे पास एक ऐसा डिवाइस भी होना चाहिए जो उस 65 वॉट के चार्ज को एक्सेप्ट कर सके, तभी जो है ना हमको 65 वॉट का चार्जिंग और उसका स्पीड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेसरीज का तो स्मार्ट वॉच में तो फिर भी समझ में आता है कि बॉक्स में आपको केबल देने का जरूरत है बिकॉज आपको एक मैग्नेटिक टाइप का स्पेसिफिक चार्जर का जरूरत होता है। बट अगर हम एक्सेसरीज का बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये स्पीकर है तो इस स्पीकर के लिए इस केबल को देने का क्या जरूरत था, क्योंकि इसमें तो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ही आता है, तो फिर हम अपने स्मार्टफोन के केबल से भी इसको चार्ज कर सकते थे। उसी तरीके से इस ईयरफोन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमको एक अलग से चार्जिंग केबल दिया गया, तो इस चार्जिंग केबल का जरूरत था, क्यों था वो भी हम आपको आगे बताते हैं। अब जैसा कि हम आपको बताएं कि एक्सेसरीज के यूजर मैनुअल पे ये मेंशन रहता है कि आपको 10 वॉट के चार्जर से इसको कनेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम इस हाई वॉट के चार्जर्स को देखें, जैसे ये वन प्लस का जो चार्जर है 65 वॉट का, इसका अगर हम आउटपुट रेटिंग देखते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट रेटिंग है उसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर मेंशन्ड है, मतलब कि इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 65 वॉट का है, बट ये 10 वॉट का आउटपुट भी दे सकता है। इसी तरीके से अगर हम इस Xiaomi के 120 वॉट के चार्जर के आउटपुट रेटिंग को यहाँ पे चेक करते हैं, सो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा 5 वोल्ट 3 एम्पियर जो है ना वो इसका मिनिमम आउटपुट रेटिंग है, मतलब कि ये 15 वॉट तक का मिनिमम आउटपुट दे सकता है, बट अगर हम इसके मैक्सिमम आउटपुट का बात करें तो ये 120 वॉट का जो है ना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम 20 वोल्ट और 6 एम्पियर मेंशन्ड है, बट मिनिमम ये 5 वोल्ट 3 एम्पियर, मतलब कि 15 वॉट तक का ये जो है ना मिनिमम आउटपुट दे सकता है। उसी तरीके से अगर हम वीवो के इन दोनों चार्जर्स का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वीवो का चार्जर है ये 20 वोल्ट 4 एम्पियर का मैक्स आउटपुट दे सकता है, मतलब 80 वॉट का आउटपुट ये दे सकता है, बट मिनिमम ये भी 5 वोल्ट 2 एम्पियर मतलब 10 वॉट का आउटपुट दे सकता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर मतलब मिनिमम 10 वॉट का आउटपुट ये भी दे सकता है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देखें कि ये जो भी हाई वॉट आउटपुट वाला चार्जर्स है ना ये 10 टू 15 वॉट का आउटपुट भी दे सकता है, बट यहाँ पे अगर आप इस अडैप्टर को इस केबल के थ्रू किसी भी एक्सेसरीज से कनेक्ट करते हैं ना, देन इस अडैप्टर से 65 वॉट का चार्ज जो है वो कैरी होगा इस केबल के थ्रू,
वहीं पे इस अडाप्टर से 120 वॉट का चार्ज जो है वो कैरी होगा इस केबल के थ्रू और इस डिवाइस तक पहुंचेगा। अब डिपेंड करेगा कि आप जो भी एक्सेसरीज चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो आपका TWS है, आपका नेकबैंड है या फिर आपका कोई पोर्टेबल स्पीकर है, क्या वो इतना स्मार्ट है कि जो हाई आउटपुट आ रहा है आपके चार्जर और इस फोन के चार्जिंग केबल के थ्रू उसको ये लिमिट कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो आपका डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कोई इशू आ सकता है, इसके बैटरी में कोई इशू आ सकता है, कंटिन्यूअस हाई पावर जो इसमें रिसीव हो रहा है उसके कारण। इसीलिए जो है ना हर एक एक्सेसरीज के साथ आपको इस तरीके का एक चार्जिंग केबल भी दिया जाता है, बिकॉज ये जो चार्जिंग केबल है ना ये कभी भी 65 वॉट, 120 वॉट, 80 वॉट का चार्ज जो है वो कैरी नहीं कर सकता। तो अगर आप 65 वॉट के चार्जर से या 120 वॉट के चार्जर से या 80 या 66 वॉट के चार्जर से इस केबल को कनेक्ट करते हैं तो भी आप सेफली जो है ना आप अपने एक्सेसरीज को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डाउट था ना कि क्या आप अपने एक्सेसरीज को हाई वॉट आउटपुट वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट ध्यान आपको बस यही रखना है कि आपको आपके एक्सेसरीज के साथ जो भी चार्जिंग केबल मिलता है ना उसी चार्जिंग केबल का यूज कीजिए, वो आपके एक्सेसरीज के सेफ्टी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।